छतरपुर में चुनाव के पहले कई अपराधियों के विरुद्ध इनाम घोषित किए जा रहे हैं, कई अपराधियों को जिला बदर भी किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस की कोशिश है कि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे। अब छतरपुर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के निर्देश पर एक बार फिर जिले के 12 अपराधियों के विरुद्ध इनाम घोषित किए गए हैं। इनमें से 5 अपराधियों के विरुद्ध हाल ही में इनाम की घोषणा करते हुए इन पर 5,000 रुपए के इनाम घोषित कर दिए गए हैं। इन आरोपियों में अज्जू उर्फ अजय यादव निवासी सीताराम कॉलोनी, भूपेंद्र रैकवार किशोर सागर तालाब सिटी कोतवाली, राहुल मिश्रा पठापुर रोड छतरपुर, हरिओम शुक्ला थाना महाराजपुर, नागेंद्र भदौरिया थाना ईशानगर के विरुद्ध इनाम घोषित किया गया है। इस बारे में छतरपुर के एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने जानकारी दी। ये एसपी सर द्वारा कुछ दिन पूर्व कई जघन्य अपराध में जो आरोपी फरार चल रहे थे उनमें इनाम घोषणा की है। जैसे आपको ज्ञात होगा करीब 12 लोग पे अभी इनाम घोषणा की गई है। उसमें एक नागेंद्र सिंह भदौरिया का भी है जिनके ऊपर पूर्व में 2022 में 5,000 का इनाम था। एक 307 के मैटर में ये फरार चल रहे थे जिसमें इनके साथ 4 अन्य लोग भी थे। अभी एक अन्य मामले में अपराध क्रमांक 45/23 में 3,000 का इनाम उद्घोषित किया गया है। सर गुंडों बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये लगातार हमारे यहाँ जो भी चाहे भूमाफिया हों चाहे गुंडे बदमाश हों उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आपने देखा होगा जहाँ जिला बदर 110 की कार्रवाई है, चाहे NSA की कार्रवाई, इनाम घोषणा और उनको पकड़ना, स्थावरण की तामीली, इन सब में लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आगे और बेहतर से बेहतर इसमें कार्रवाई होगी।